हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी फार्माकोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम अलग अलग ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग मेडिकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग जो है एट्रोपिन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेक्सामेथासोन के बारे में, जो कि टेक्सोना के नाम से भी मार्केट में आता है एंड बहुत सारे उसके अलग अलग ब्रांड नेम है। तो डेक्सामेथासोन क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेक्सामेथासोन किस क्लास का ड्रग है। हम ड्रग स्टार्ट करने से पहले उसकी क्लास डिस्कस करते हैं। तो डेक्सामेथासोन आपका जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, मतलब जिसकी जो क्लास होती है मैं लिख देता हूं यहां पे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है डेक्सामेथासोन। इसकी जो क्लास है वो क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये बात आपको क्लियर हो गई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इस क्लास के नाम से ही आधी चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो हॉर्मोन्स हैं, वो स्टेरॉइड्स हैं जो कि रिलीज होते हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है, लगा हुआ है, जिसको बुलाता है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, नॉर्मली जो हॉर्मोन निकलता है होता है आपका कॉर्टिसोल। तो आज जो हम डेक्सामेथासोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर, ठीक है। तो ये किसका पार्ट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर डेक्सामेथासोन। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को भी मैंने पार्ट दिया तीन पार्ट में, तो अब इसमें से एक पार्ट उठा लेते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आपको इसके नाम के ऊपर फोकस करना है। ग्लूको मतलब रिलेटेड टू ग्लूकोज, रिलेटेड टू शुगर। कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स से निकलता है, किसके, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में, ठीक है। एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पोटेशियम सोडियम वाटर के लेवल्स को कंट्रोल करने में ब्लड के अंदर, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, आपको पता है दोनों के अलग अलग फंक्शन, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं। मतलब कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होंगे जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करेंगे, कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होंगे जो बिल्कुल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई फाइन लाइन डिफरेंशिएशन नहीं होता। कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फीचर्स आ जाते हैं, कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फीचर आ जाते हैं। तो हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं पढ़ना है, सेक्स कॉर्टिकॉइड नहीं पढ़ना है, इनको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जैसे कि प्रिडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन वगैरह वगैरह। इनका जो डिफरेंशिएशन होता है, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इनका जो बांटा जाता है वो इस बेसिस पे बांटा जाता है कि कौन सा वाला ड्रग कितना लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। जैसे कि प्रिडनिसोलोन शॉर्ट एक्टिंग है, आपका डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन वगैरह क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है। मतलब ये लंबे टाइम तक क्या करेगा, एक्शन करेगा। इसका लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर क्या रहेगा, एक्शन रहेगा। आपको इसको बार बार नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो डेक्सामेथासोन, अब हम सारी की सारी बात क्या करेंगे, डेक्सामेथासोन ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करेंगे ना आज हम सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात करेंगे। तो डेक्सामेथासोन आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहला जो इसका फीचर होगा, सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो ग्लूकोज से रिलेटेड होगा। हम सारी की सारी कहानी वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। डेक्सामेथासोन किस पे काम करता है, आपके लिवर पर। लिवर पे जब ये काम करता है तो लिवर पे करता है दो चीज। लिवर पे क्या करता है, ग्लूकोज का क्या करा देता है, स्टोरेज बढ़ा देता है। ग्लूकोज द बॉडी के अंदर स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब दो फॉर्म होती है, ग्लूकोज और एक ग्लाइकोजन। तब ग्लूकोज आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं तो ग्लाइकोजन बन जाता है और वो बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, स्टोर होने लगता है। तो आपका ये डेक्सामेथासोन क्या कराएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन कराएगा। लेकिन हमें ये बात याद नहीं रखनी है, हमें जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि डेक्सामेथासोन प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जो आपकी मसल्स के ऊपर होते हैं, कैटल की मसल के ऊपर होते हैं, किसी भी एनिमल की मसल के ऊपर होते हैं, उनको तोड़ना शुरू कर देगा, जिसको बोला जाता है प्रोटियोलिसिस। और आपको पता होगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड्स।
तो प्रोटीन से क्या आएगा? अमाइनो एसिड, एंड अमाइनो एसिड से आपका क्या बनेगा? ग्लूकोज। ये चीज काफी उठपटी लग रही है कि अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो अमाइनो एसिड अलग चीज होती है, ग्लूकोज अलग चीज होता है। अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। ग्लूकोज से क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज किसी और चीज से बनना शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे कि आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपका क्या होगा? प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा और क्या होगा? ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अभी हम ग्लूकोज की ही बात कर रहे हैं, तो आपका जो ग्लूकोज है वो क्या करता है? आपके सेल्स के अंदर जाना शुरू करता है, क्योंकि ग्लूकोज का क्या किया जाता है? यूटिलाइजेशन किया जाता है, ग्लूकोज को यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी के लिए, एटीपी के लिए। अब क्या होता है, ग्लूकोज को अगर ब्लड से सेल के अंदर जाना है, अगर ब्लड से सेल के अंदर जाना है तो इंसुलिन वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, इंसुलिन ही जो है ब्लड से सेल्स के अंदर इंसुलिन को धकेलता है, मतलब इंसुलिन कुछ चैनल्स को ओपन करता है जिस वजह से ये ब्लड के अंदर से सेल के अंदर जंप कर देता है। लेकिन डेक्सामेथासोन क्या करता है? डेक्सामेथासोन करता है इसको ब्लॉक, मतलब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा। मतलब इसको बोला जाता है कि पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब जो चीज पेरिफेरी पे होती है, जो चीज साइड पे होती है। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब यूज, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज अगर यूज नहीं होगा तो कहां पड़ा रहेगा? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज पड़ा रहेगा तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। तो क्या हो रहा है यहां पर? हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? इफेक्ट है किसका? डेक्सामेथासोन या फिर किसी भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। तो आपका क्या करता है? ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है ब्लड के अंदर। कौन? डेक्सामेथासोन। अभी मैं यूजेस पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका क्लिनिकल कोरिलेशन समझाऊंगा। मैं भी आपको साथ ही साथ समझा देता हूं, बाद में कंफ्यूजन होगा। ग्लूकोज क्या होता है? बढ़ जाता है। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है, डेक्सामेथासोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब अवॉइड किया जाता है किसके अंदर? डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर, जिनको डायबिटीज है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ रहता है, एंड अगर आप उसको डेक्सामेथासोन देंगे तो और हाइपरग्लाइसीमिया होगा, एंड बंदा जो है कीटो एसिडोसिस वगैरह के अंदर स्लिप कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर। दूसरी कॉन्ट्राइंडिकेशन है डेक्सामेथासोन, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं किया जाता प्रेगनेंसी के अंदर। कैटल्स में, कैटल्स के अंदर बिल्कुल अवॉइड करा जाता है डेक्सामेथासोन प्रेगनेंसी में, लेकिन ह्यूमंस के अंदर डेक्सामेथासोन कम अवॉइड किया जाता है। मतलब डेक्सोना को दिया जाता है इंड्यूस करने के लिए लेबर को, एंड डेक्सामेथासोन को दिया जाता है लंग्स के डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर मां के पेट में कोई बच्चा है, अगर बच्चे की डिलीवरी टाइम से पहले हो गई, अगर 9 महीने से पहले बच्चा बाहर आ गया, तो उसके लंग्स को प्रॉपरली काम कराने के लिए मदर को क्या दिया जाता है? डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि डेक्सामेथासोन क्या कराता है? लंग्स का मैच्यूरेशन। क्या कराता है? मैच्यूरेशन। तो हम दो एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन और वेटनरी। तो वेटनरी के अंदर बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है डेक्सामेथासोन, उसका मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। एंड ह्यूमन के अंदर कुछ स्टडीज के अंदर पाया गया है, अगर आप लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूस डेक्सामेथासोन मदर को देंगे तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? डिफॉर्मिटी वगैरह हो जाएगी। बच्चे के अंदर कॉर्टिसोल मतलब एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अब क्यों हो जाएगी बच्चे में प्रॉब्लम और क्यों वेटनरी में नहीं दिया जाता है? इनका दोनों का लिंक है, तो इन दोनों को हम एक साथ समझ लेंगे। इस चीज से आपको समझ आ जाएगा क्यों वेटनरी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, एंड क्यों कुछ क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पाया गया है कि डेक्सामेथासोन का कंटिन्यूस यूज ह्यूमंस के ऊपर किया जाए तो मां से प्रॉब्लम बच्चे को आ सकती है। मतलब बच्चे के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या हो सकता है? प्रॉब्लम। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता था? जो ये सारा का सारा कॉर्टिसोल निकालता था। ठीक है, कॉर्टिसोल क्या निकालता था? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड अगर प्रॉपर कॉर्टिसोल नहीं निकालता था तो हम डेक्सामेथासोन बनाकर देते थे जो बिल्कुल कॉर्टिसोल की तरह होता था। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ये जो वेटनरी का जो फंडा है, ये आपको समझने के लिए कुछ समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। हर एनिमल के पास एक हाइपोथैलेमस होता है, जो ह्यूमंस के पास भी होता है। हाइपोथैलेमस, HYP से लिखता हूं उसको, हाइपोथैलेमस, जो कि क्या होता है? ब्रेन में होता है।
हाइपोथैलेमस जो सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी को। ये ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी जो है कुछ केमिकल्स निकालती है, कुछ हॉर्मोन्स निकालती है जो सिग्नल देते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड फाइनली क्या निकालता है आपका, कॉर्टिसोल। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ आ गई। अब आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, डेक्सामेथासोन दे रहे हैं। किसके अंदर, कैटल के अंदर। पहले मैं कैटल की बात करूंगा, आप क्या कर रहे हैं, डेक्सामेथासोन दे दीजिए एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, आप डेक्सामेथासोन दे दीजिए। अब होगा क्या, अगर डेक्सामेथासोन आप बहुत ज्यादा देंगे तो क्या होगा, इसको लगेगा, सिस्टम को लगेगा कि कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बनने लगा है। और बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, अगर कोई भी चीज ज्यादा होती है उसको कम कर दिया जाता है, अगर कोई भी चीज कम होती है उसको ज्यादा कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म, कोई चीज कम है तो उठाकर ज्यादा कर दिया जाएगा, ज्यादा को कम कर दिया जाएगा। अब कॉर्टिसोल तो ऑलरेडी बन ही रहा था और आपने बाहर से क्या दे दिया, डेक्सामेथासोन या फिर डेक्सा दे दिया। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। बॉडी को क्या लगेगा, ब्रेन को क्या लगेगा, यार अब बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल हो गया। बॉडी को ये नहीं पता है कि आप बाहर से डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, बॉडी को तो ये पता है कि बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल ज्यादा हो गया। अब बॉडी क्या करेगी, कॉर्टिसोल बनाना कम कर देगी। बॉडी क्या करेगी, कॉर्टिसोल बनाना कम कर देगी। अब एक चीज, कॉर्टिसोल क्या नहीं हो रहा, बन नहीं रहा, कॉर्टिसोल नहीं बन रहा। अगर आपने अचानक से डेक्सामेथासोन रोक दिया, अगर प्रेगनेंसी है या फिर नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी अगर अचानक से आपने डेक्सामेथासोन रोक दिया तो क्या होगा, कॉर्टिसोल नहीं बनेगा। मतलब कॉर्टिसोल तो रुक चुका है बनना, डेक्सामेथासोन आप दे नहीं रहे, अचानक से क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल की कमी हो जाएगी और बहुत ज्यादा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकती है ड्यू टू हाइपो एड्रिनल ग्लैंड। मतलब एड्रिनल ग्लैंड पूरी तरह से जो है सफिशियंट नहीं है कॉर्टिसोल बनाने के लिए, आपने उसको सप्रेस कर दिया डेक्सामेथासोन देकर। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई। अब बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है, मतलब वेटरनरी के अंदर प्रेगनेंसी पे क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है एंड कुछ फीमेल्स के अंदर क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब क्यों नहीं दिया जाता, ये समझने के लिए आप समझिए। अगर माँ के, आप माँ को देते हैं डेक्सामेथासोन तो क्या हो रहा है, उसका एड्रिनल ग्लैंड कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है डेक्सामेथासोन बच्चे के अंदर भी जाएगा, क्योंकि बच्चा किसके अंदर है, माँ के अंदर है। ठीक है, बच्चा अगर माँ के अंदर है तो डेक्सामेथासोन बच्चे के अंदर जाएगा, और जैसे ही डेक्सामेथासोन बच्चे के अंदर जाएगा वही सेम कंडीशन वो बच्चे के अंदर करने लगेगा। मतलब जो फीटस है, जो काफ है, जो इन्फेंट है, जो निकलने वाला है, उसके अंदर आपने ऑलरेडी एड्रिनल ग्लैंड को क्या बना दिया, इनसफिशियंट बना दिया। एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपरली जो है कॉर्टिसोल नहीं बना रहा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड अगर सही से कॉर्टिसोल नहीं बनाएगा और बच्चा जो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर होता है, तब बच्चा निकलता है बाहर तो सबसे पहले तो सांस लेता है बेचारा। ऑलरेडी आपने स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए जो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ये आपने खत्म कर दिया, देयर आर द चांसेस कि कोलैप्स कर जाएगा काफ या फिर बेबी प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है डेक्सामेथासोन को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, नहीं दिया जाता प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आपको ये पूरा कुछ समझ नहीं आया, आपको एक डायरेक्ट चीज याद रखो, कॉर्टिसोल क्या कराता है या फिर जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या कराते हैं, लंग्स का क्या कराते हैं, मैचुरेशन कराते हैं। थोड़ा बहुत आप दीजिए जो कि ह्यूमंस के अंदर दिया भी जाता है, ह्यूमंस के अंदर दिया जाता है डेक्सामेथासोन बच्चे के लंग्स के डेवलपमेंट के लिए। अगर बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो जाता है तो आराम से वो सांस ले सके, लेकिन आपने अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा डेक्सामेथासोन दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसके लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने कॉर्टिसोल को ही सप्रेस कर दिया। आप डेक्सामेथासोन देते रहे उसके लंग्स को, अगर चलिए मान लीजिए लंग्स उसके क्या कर गए, मैच्योर कर गए, लंग्स तो मैच्योर कर गए लेकिन कॉर्टिसोल तो है ही नहीं, कॉर्टिसोल ही नहीं है, मतलब स्ट्रेस को झेलने वाली कंडीशन, स्ट्रेस को झेलने वाला औजार, हथियार ही नहीं है उसके पास, तो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। तो देयर आर द चांसेस कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए या फिर डेथ हो जाए। ये बात आपको समझ आ गई, जो सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी समझाने की। और इस फिनोमेना को बोला जाता है एच ए एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस का एड्रिनल का क्या होता है, सप्रेशन मतलब कम हो जाना। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि डेक्सामेथासोन देते हैं और फीडबैक इन्हिबिशन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, तो यहां तक अपना जो हो गया कॉन्ट्राइंडिकेशन का पार्ट कंप्लीट। अब डेक्सामेथासोन नहीं दिया जाता, ये तो बात आपको समझ आ गई, डायबिटिक्स के अंदर नहीं दिया जाता, प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। अब जो मेन मुद्दा है, डेक्सामेथासोन दिया कहां जाता है, सब तो हमने पढ़ लिया कि क्यों नहीं दिया जाता, कहां नहीं दिया जाता, अब हम आते हैं कि क्यों दिया जाता है।
अगर ये दवा बननी है तो कहीं तो दी जाती होगी, ऐसा तो नहीं है कि डेक्सामेथासोन दे नहीं जाता है। तो डेक्सामेथासोन एंटी इंफ्लामेटरी होता है, मतलब इंफ्लामेशन को क्या करता है, कम करता है, इंफ्लामेशन को रोकता है। इंफ्लामेशन क्या होता है? इंफ्लामेशन कोई भी वो रिएक्शन जो ट्रिगर हो जाए एंड उससे क्या हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, हॉटनेस हो जाए किसी एक जगह पर, इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। वहां पर बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, फ्लूड एक्यूमुलेट होने लग जाए, रेडनेस, टेम्परेचर बढ़ जाए उस जगह का, उसको बोला जाता है लोकल इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन अगर आपको डेक्सामेथासोन को समझना है कि वाई इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो आपको हल्का हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन जो है प्रोसेस होता है जो कि कुछ केमिकल के थ्रू चलता है, जिनको बोला जाता है साइटोकाइंस, एंड साइटोकाइंस के नाम होते हैं जैसे आपका साइटोकाइन, साइटोकाइंस के अंदर आपके होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन 1 वगैरह होते हैं, ल्यूकोट्राइंस होते हैं जिनको एलटी से लिखा जाता है, एंड बहुत सारी क्या होते हैं आपके सिमिलर केमिकल नेचर के कंपाउंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कॉज कराते हैं। तो आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है वो इनसे होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइंस से होता है। अब सवाल ये है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन को रोकना है तो आप डायरेक्टली इसको रोक दीजिए, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन को रोक दीजिए, मतलब फिर इन्फ्लेमेशन आप रोक सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अब इनको रोका कैसे जाएगा, इनको रोका जाएगा भाई गिविंग स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड कौन सा है आपका, डेक्सामेथासोन, जिसको मैं डेक्सा से लिख रहा हूँ शॉर्ट में। सो डेक्सामेथासोन क्या करता है, डेक्सामेथासोन क्या, मेथासोन, इसका पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा यहाँ पर, पूरा एक बात है मैं बता देता हूँ, चलो फिर कुछ लोग बोलेंगे बताए नहीं। जैसे आपका जो लिपिड के अंदर लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, उसको तोड़ा जाता है, अरेकिडोनिक एसिड बनाया जाता है, अरेकिडोनिक एसिड आगे जाके जो है दो पाथवे में जाता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे। साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे से क्या बनता है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाते हैं, लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे से क्या बनता है आपका, ल्यूकोट्राइन। ठीक है, और जो आप डेक्सामेथासोन दे रहे हैं बाहर से, वो डेक्सामेथासोन यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर वो लाइकोकॉल्टीन नाम का एक केमिकल होता है, उसको एक्टिवेट करता है एंड इसको इनहिबिट कर देता है, मतलब आपका अरेकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, अरेकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो ना आगे ल्यूकोट्राइन बनेगा, ना आगे प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा। अगर ये दोनों नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। तो दिस इज हाउ आपका जो डेक्सामेथासोन या फिर स्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन वगैरह है वो कैसे आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करते हैं। तो इसको इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए जाता है, अगर कोई रूमेटिक आर्थराइटिस वगैरह है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, अगर कोई जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, उसके अंदर आप इसको दे सकते हैं, सेप्टिक शॉक के अंदर दे सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कई बार कोई सेप्टिक शॉक हो जाता है जिसके अंदर ड्यू टू सेप्टिसीमिया कैटल या फिर एनिमल किसके अंदर जाता है, शॉक के अंदर जाता है। तो इन्फ्लेमेशन होती है, शॉक के अंदर जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। तो आप इसके अंदर क्या दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन। बट आपको एक चीज याद रखनी है, सेप्टिक शॉक हो, कोई सा शॉक हो, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब जो मेन ड्रग होता है वो एड्रेनालिन होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको क्लास ले चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं ऑल लेक्चर्स। इन्फ्लेमेशन साइटोकाइन समझ आ गया आपको। इसके बाद हम आते हैं अबाउट कैल्शियम लेवल, कि हाउ योर डेक्सामेथासोन इज इफेक्टिंग योर कैल्शियम लेवल। सो आपको डायरेक्टली याद रखना है यार कि डेक्सामेथासोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है कैल्शियम के लेवल को, सॉरी कम कर देता है, यार क्या बोल रहा हूँ, कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन आपका डेक्सामेथासोन कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये चीज आपको समझ आ गई कि कैसे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। अब एक चीज होती है, दवा होती है जिनको बोला जाता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID, जिसका एग्जांपल आपका पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, BCM, एस्पिरिन, डिस्पिरिन। ठीक है, ये सारा का और भी ड्रग्स होते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो एनसेड्स वगैरह होते हैं जो कि नॉन स्टेरॉइडल होते हैं। मैं आपको ये चीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पैरासीटामोल के ऊपर मैं ऑलरेडी क्लास बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन ये चीज यहाँ पे बता रहा हूँ आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है नॉन स्टेरॉइडल, मतलब ये ड्रग है जो स्टेरॉइड नहीं है, बट ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये भी इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। कुछ ड्रग्स जो अभी हमने पढ़े वो भी इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये भी इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड नहीं है, ये स्टेरॉइड है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या सेम होगा? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जगह अलग है।
आपका जो NSAID होते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेज वाले पाथवे को क्या करते हैं, रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिंस नहीं बनते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड आपका लिकोट्राइन्स वगैरह बनते रहते हैं। एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस जो होते हैं सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, सबसे ज्यादा मेन आपका जो होता है किलर होता है किसके अंदर, इन्फ्लेमेशन के अंदर सबसे बड़ा कॉज आपका प्रोस्टाग्लैंडिंस ही होता है। तो दिस इज द लॉजिक आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉन स्टेरॉयडल एंड स्टेरॉयडल। ओके, तो ये हो गया आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट किसका, डेक्सामेथासोन का। अब मोस्ट ऑफ द थिंग जो इंपॉर्टेंट चीज है एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह हमने पढ़ लिया, एक है आपका एंटी इंडिकेशन है आपका वो डेक्सामेथासोन का, वो ये है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है डेक्सामेथासोन का वो ये है कि डेक्सामेथासोन आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स आ जाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लाइक एल्डोस्टेरोन। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली सोडियम के लेवल बढ़ा देते हैं, वाटर के लेवल बढ़ा देते हैं, पोटेशियम के लेवल कम कर देते हैं। अब किसके अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, मतलब पोटेशियम को बाहर निकाल देते हैं किडनी से, वाटर को क्या बढ़ा देते हैं ब्लड के अंदर, एंड सोडियम को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं ब्लड के अंदर। अब ये बताने का पॉइंट क्या है, ये बताने का पॉइंट थोड़ा सा ही है, अगर सोडियम और वाटर बॉडी के अंदर बढ़ जाए, ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो क्या होगा, खुद बताइए। अगर आपने शॉक की क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा कि क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। दिस इज वाई हाइपर टेंशन के पेशेंट के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को इनहिबिट किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। एंड हाइपरटेंशन को कॉज करा सकता है क्या आपका डेक्सामेथासोन, अगर आपने इसको प्रोलॉन्ग यूज किया। इसका मतलब डेक्सामेथासोन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर को एक्यूमुलेट करा देगा बॉडी के अंदर, जिस वजह से क्या होगा हाइपरटेंशन। अब पोटेशियम कम हो रहा है, इससे क्या होगा, पोटेशियम अगर कम हो जाए, अब पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए, तो मसल क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी, मसल वीकनेस होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि डेक्सामेथासोन से मसल वीकनेस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक चीज और बताता हूँ आपको एंटी इंफ्लेमेटरी में, शायद मैं भूल गया था बतानी, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब इंफ्लेमेशन को रोकता है, कौन, स्टेरॉइड्स। तो अगर आप कोई थेरेपी दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, किसी भी कैटल को, जिसके अंदर आपको लगता है कि उसके अंदर फाइब्रोसिस हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, तो अगर आपने उसको स्टेरॉइड दे दिए तो फाइब्रोसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि फाइब्रोसिस क्या होता है, एक तरह का इन्फ्लेमेशन के बाद का रिएक्शन होता है। आपने प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिशन रोक दिया तो क्या होगा, फाइब्रोसिस वगैरह रुक जाएगी। एंड दूसरा लॉजिक क्या है फाइब्रोसिस रुकने का, फाइब्रोसिस रुकने का लॉजिक ये है कि फाइब्रोसिस किस वजह से होती है, फाइबर्स के फॉर्मेशन से। फाइब्रोसिस का मतलब होता है फाइबर्स बनना, एंड फाइबर्स किसके होते हैं, कोलेजन के। एंड आपका डेक्सामेथासोन क्या करा रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, कोलेजन क्या है आपका, प्रोटीन। जब आपका प्रोटीन टूटेगा, कोलेजन टूटेगा, तो फाइब्रोसिस नहीं होगी, कोलेजन होगा ही नहीं फाइब्रोसिस करने के लिए। तो फाइब्रोसिस वगैरह को भी आप इनहिबिट कर सकते हैं, अगर आपको फाइब्रोसिस नहीं करानी है किसी कैटल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज भी आप दे सकते हैं डेक्सामेथासोन देकर, ठीक है, ये चीज भी आप करा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट जो आपको जानना था डेक्सामेथासोन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेक्सामेथासोन यूज किया जाता है वो आपका एंटी इंफ्लेमेटरी ही है, कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर कोई बैक्टीरियल रिएक्शन है बहुत ज्यादा, उसका सिम्टम आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप डेक्सा दे सकते हैं विद एंटीबायोटिक, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को रोकेगा एंड एंटीबायोटिक आपका बैक्टीरिया का ध्यान रखेंगे। और आपको कॉन्ट्राइंडिकेट करना है डेक्सामेथासोन इन प्रेगनेंसी, लेकिन इन केस ऑफ फ्यू मंथ्स डेक्सामेथासोन दिया जाता है टू इंड्यूस लेबर, इंड्यूस को, लेबर को इंड्यूस करने के लिए, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, मैच्योरेशन ऑफ लंग्स इन फीटस। ये चीज आपको क्लियर हो गई। प्रोलॉन्ग डेक्सामेथासोन आप देंगे तो क्या होगा, एच पी ए का क्या होगा, सप्रेशन होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस का सप्रेशन हो जाएगा, एड्रेनल का सप्रेशन हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, कॉर्टिसोल नॉर्मली कम हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाई वेटरनरी के अंदर इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया करा सकता है, डायबिटीज के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, एंड हाइपरटेंशन करा सकता है, क्योंकि सोडियम और वाटर का करना है रेडिएशन करा। इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं एंड अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।